आपका एनआर सूद क्रिकेट टूर्नामेंट में आज का जो मैच है ज़ार और साथ में डेविल्स है, डेविल्स की टीम चारों मैच हार चुकी हैं और आज जीत के साथ 101% अपनी विदाई जाएगी। साथ में बहुत मजबूत टीम है ज़ार जो अगले राउंड सेमीफाइनल वाले राउंड में पहुंच चुकी हैं और अब टॉस का समय है, कौन उछाल रहे सिक्का? हेड्स की कॉल और हेड आ गया, बैटिंग कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, 10 मिनट में शुरू करते हैं सर। सीक्वेंस ले रहे हैं ध्रुव कुमार, शाबाश जीते, ये बहुत बढ़िया लड़के, बहुत बढ़िया, गुड गेम। अरे सौरभ तू आज खेला नहीं, बोलिंग दी नेक्स्ट कौन है? कशिश चक्राल, क्या बात है, बैक टू बैक दो बार, बढ़िया भाई, क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया आपका भाई, बंद करके बैठा, नहीं सही बोल रहा, ये एकदम ये बीएस सीरियसली अब मुझे बात यार, अरे मैं ना चेतन बता ना, मैं स्वागत है आपका एनआर सूद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में। आज का मैच वैसे बहुत बड़ा अहम है क्योंकि पीपी फाइटर को अगर अगली स्टेज पे जाना है तो उन्हें डेंजर टीम को रोकना होगा, बहुत बड़े मार्जिन से रोकना होगा, कम से कम 150 रन से या तो हराना होगा या फिर इसके अलावा 50-60 रन पर इनको ऑल आउट करें और 4-5 ओवर में मैच जीत लें, जो कि संभव भी है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। और उसी चीज़ के लिए अब दोनों योद्धा मैदान में हैं, टॉस का समय, कॉल, कौन उछाल रहा है सिक्का, कौन उछाल रहा है? तो सुमित जो है सिक्का उछाल रहे हैं डेंजर की तरफ से, हेड्स की कॉल और एक टेल आ गए, बॉल कर रहे हैं। चलिए सबका एनआर सूद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में इसका ऑर्गेनाइजर है गौरव बब्बर और अमित सूद, और इस टूर्नामेंट का लीग राउंड का आज आखिरी मैच डेंजर 11 और पीपी फाइटर्स के बीच खेला गया, जिसमें टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला लिया डेंजर 11 ने, जो कि काफ़ी किफ़ायती साबित हुआ और पीपी फाइटर को 147 पर 21 ओवरों में ऑल आउट कर दिया, जिसमें सबसे ज़्यादा रन बनाए सन्नी 32 रन और नितिन 32 रन और सचिन शर्मा 23 रन। 16 ओवरों में ये डेंजर 11 ने ये मैच अपने नाम किया 5 विकेट से, इसमें शानदार इनिंग खेली हर्षित सचदेवा और ओपनिंग में काफ़ी बढ़िया शुरुआत करी साहिल 34 रन। तो हारी टीम से फाइटर ऑफ द मैच नितिन, कल फेसबुक पर हो गए, और हारी टीम से एक अवार्ड और जाता है सचिन शर्मा, मेरे को कैसे मिल गया सचिन शर्मा, आप ही हो लोग कैप्टन को ही जा रहा हूँ, और शानदार बॉलिंग की परफॉर्मेंस रही हर्षित हांडा डेंजर 11 टीम से। और अब जो इस मैच के बेस्ट बैट्समैन है, मैन ऑफ द मैच जिनको जाता है वो है हर्षित सचदेवा, 36 रन नाबाद, मैच विनिंग नॉक, कल भी अच्छा खेले हैं हमारी टीम से, कल भी उन्होंने मैच जीता है।